पैरों के साथ सीधा खड़े हो जाओ, कूल्हे अलग और बाहों को अपनी छाती के सामने बढ़ाए। अपनी हथेलियों से मुट्ठी बनाए। प्रत्येक 10 गिनती के लिए कलाई को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए। अब कलाई और वामावर्त दिशा में घुमाए। संयुक्त में गति की पूरी श्रृंखला के माध्यम से जाओ। आराम से सांस लें। अपनी कोहनियों को सीधा रखें और कलाई से घुमाएं। कंधे उचकाए नहीं और अपने कॉलरबोन को चौड़ा रखें। अपनी दाहिनी भुजा को अपनी छाती के सामने बढ़ाएं। हथेली को नीचे की ओर रखें। धीरे से अपनी दाहिनी हथेली को कलाई के जोर से अपनी ओर मोड़ें। बाईं हथेली की मदद लें। 10 सेकंड के लिए यहां रुकें। अब अपनी हथेली के पिछले हिस्से को कलाई के जोर से अपनी ओर मोड़ें। उंगलियों से झुकने से बचें। अपनी छाती के सामने अपना बायां हाथ बढ़ाएं। हथेली को नीचे की ओर रखें। 10 सेकंड के लिए इस स्थिति को पकड़ो। अब अपनी हथेली के पिछले हिस्से को कलाई के जोर से अपनी ओर मोड़ें। उंगलियों से झुकने से बचें। पकड़ के दौरान कंधों को आगे और ऊपर की ओर घुमाते हुए पहल करें। यहां श्वास लें। अपने कंधों को वर्षों के करीब उठाएं। अंडे ओले, उन्हें पीछे और नीचे गिराएं। आधा श्वास लें, आधा सांस छोड़ें। कंधे के ब्लेड को निचोड़कर आरंभ करें। यहां श्वास लें। अपने कंधों को वर्षों तक उठाएं, सांस छोड़ें, उन्हें आगे और नीचे रोल करें। दोहराना। थोड़ी फर्श के समानांतर रहती है। सीधे खड़े हो जाओ, पैर कूल्हे अलग, सांस छोड़ें। बाजुओं को आगे और नीचे सर्कल करें, श्वास भीतर लेना, उन्हें ऊपर और ऊपर की ओर सर्कल करें। कोहनी सीधी रहती है, श्वास भीतर लेना, बाजुओं को पीछे और नीचे घुमाएं, सांस छोड़ें। बाजुओं को आगे और ऊपर की ओर घुमाएं। कंधे के स्तर पर टी स्थिति में हथियार, हथेलियां छत का सामना करती है। सांस छोड़ें, बाजुओं को पीछे की ओर मोड़ें, श्वास लें, बाहों को आगे लाएं, सांस छोड़ें, कंधे के ब्लेड को पीछे की ओर निचोड़ें, छाती और कंधे में खिंचाव महसूस करें। हिप को एक तरफ घुमाएं, बाहों को ऊपर की ओर घुमाएं, केंद्र पर वापस आ जाओ। घुमाते समय विपरीत एड़ी को ऊपर उठाएं। अपनी छाती में खिंचाव महसूस करें और रिब पिंजरे से घुमाएं। अपनी बाहों को सीधा और समानांतर रखें। सांस बंद करें, बाहें ऊपर मोड़ें और पेट को कसें। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे की चौड़ाई से अधिक चौड़े, पैर की उंगलियां थोड़ी बाहर निकली हुई और हाथ कमर पर। कूल्हे को बाईं ओर से आगे की ओर दाईं ओर सर्कल करें। अब दिशा को उलट दें। कूल्हे के जोड़ के सॉकेट में चलती फीमर हड्डी को महसूस करें। आपको हिप क्रीज पर उद्घाटन महसूस करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से को अलग न करें। कमर और भीतरी जांघों से आगे बढ़े। सीधे खड़े हो जाओ, पैर कंधे की चौड़ाई अलग, कमर पर हाथ, पीठ को सीधा रखना। कूल्हे से झुके और धड़ के साथ आगे घुटने टेक दें। धर को फर्श के समानांतर लाएं। हाथ छाती के सामने नीचे तक पहुंचते हैं। कुछ सेकंड के लिए यहां रुकें। धर को आगे की ओर मोड़ते हुए और घुटनों को सीधा रखते हुए बाहों को टी स्थिति में खोलें। सांस छोड़ें। दाएं हथेली को बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करें, फिर बाएं हथेली को दाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करें। इसको बार बार करें और आसमान की ओर देखें। हर बार पैर की उंगलियों को छूने पर मध्य पीठ में मोड़ महसूस करें। सांस छोड़े। संक्रमण के दौरान दो श्वास स्पर्श करें। धर शरीर मध्य में रखें। कूल्हों को एक तरफ से दूसरी तरफ न हिलाएं। थोड़ी को छत की ओर झुकाएं। आपको गर्दन में खिंचाव महसूस होना चाहिए। थोड़ी को फर्श के समानांतर लाएं। थोड़ी को छाती की ओर टक करें। गर्दन का पिछला हिस्सा लंबा लगता है। थोड़ी को छत की ओर झुकाएं।
थोड़ी को छाती की ओर पीछे करें। गर्दन में खिंचाव महसूस होना चाहिए। गर्दन का पिछला हिस्सा बड़ा दिखता है। हाथ आराम से और कूल्हों से होते हैं। आगे टकटकी लगाओ। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएं। पकड़ो और दाहिने कंधे पर टकटकी दबाने के लिए ठोड़ी के बाईं ओर दो उंगलियां रखें। कंधे सामने की ओर चौकोर होते हैं और सिर आपके दाईं ओर होता है। और सिर आपके दाईं ओर है। श्वास लें, आगे देखें, सांस छोड़ें, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, पकड़े, बाएं कंधे पर टकटकी लगाएं। दबाने के लिए अपनी ठोड़ी के दाईं ओर दो उंगलियां रखें। कंधे सामने की ओर चौकोर है और सिर आपकी बाईं ओर है। दाहिनी हथेली ऊपर रखें, गर्दन को दाईं ओर झुकाएं और दाहिने हाथ से पकड़ें। बाईं ओर खिंचाव महसूस करें, आगे देखें। दाहिने कंधे से कंधे उचकाए नहीं, बाईं ओर पार्श्व फ्लेक्स। बाईं हथेली को ऊपर की ओर रखें, गर्दन को बाईं ओर गिराएं और बाईं हथेली का उपयोग करके इसे नीचे दबाएं। दाईं ओर खिंचाव महसूस करें, आगे देखें। फर्श से एक पैर उठाएं और बढ़ाएं। बड़े पैर की अंगुली से एक बड़ा सर्कल बनाएं। कुछ प्रतिनिधि के लिए ऐसा करें और दिशा को उलट दें। गति की पूरी श्रृंखला से टखने का जोड़ लें, घुटने बंद रखें और टखने को घुमाते समय ध्यान केंद्रित रखें। जरूरत पड़ने पर ही दीवार का सहारा लें। अंडे ओले और फ्लेक्स टोस्ट को अपनी पिंडली की ओर लाएं। पैर की अंगुली को दूर करने के लिए श्वास लें। पूरी रेंज से काम करें, फ्लेक्स के रूप में एड़ी को आगे धकेलें। सांस छोड़े शरीर का वजन पैर के बाहरी किनारे पर रखें। श्वास लें, केंद्र पर लौटें। सांस छोड़े शरीर का वजन पैर के भीतरी आर्च पर रखें। दूसरे पैर पर दोहराएं। टखने के अंदर बाहर खिंचाव महसूस करें। सांस लें। टखने के बाहर खिंचाव महसूस करें। कमर पर हाथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को लात मारकर शुरू करें। वैकल्पिक रूप से नरम रहने की जरूरत है। पेट धीरे पैर की गेंद पर धीरे से हॉप करने के लिए लगे हुए हैं। किक पर सांस छोड़े और संक्रमण के दौरान सांस लें। वैकल्पिक रूप से एड़ी को लात मारने के साथ शुरू करें हथियार पक्ष पर स्विंग। धीरे से पैर की गेंद पर धीरे से उतरने के लिए पेट संलग्न करें। प्रत्येक किक के साथ सांस छोड़ें। लंबा रहें, आंदोलन को तेज रखें और अपने पैरों पर हल्के रहें। घुटनों को कूल्हे के स्तर तक लाने के लिए स्विच करें। 90 डिग्री पर घुटने। पेट को धीरे से संलग्न करें। प्रत्येक उच्च घुटने के साथ सांस छोड़ें। जितनी जल्दी हो सके पैर की गेंद को धक्का दें। छाती के सामने हाथ पूरे आंदोलन में लंबे रहते हैं।